नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बी टाउन हब चैनल में आज हम बात करेंगे सुनिधि चौहान के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सुनिधि चौहान वो भारतीय प्लेबैक सिंगर है जिन्हें मुख्यत्वे उनकी आवाज से पहचाना जाता है। बायोग्राफी हिंदी का महत्वपूर्ण वो चेहरा है। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर को महज 5 साल की अवस्था में ही शुरू कर दिया था, जिस कारण इन्होंने एक क्षेत्र में 3000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इन्होंने कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी, भोजपुरी, इंग्लिश, आसामी, नेपाली जैसी लैंग्वेजों में गानों को गाया है और सभी क्षेत्रों में वो कामयाब रही है। वैसे तो उन्होंने अपने करियर में कई प्रसिद्ध गाने गाए, लेकिन एक गाना रुकी रुकी से जिंदगी की वजह से इन्हें सबसे पहले फिल्मफेयर अवार्ड और आरडी बर्मन पुरस्कार मिला। इसके बाद मेरे महबूब, धूम मचा ले जैसे सुपरहिट गाने के लिए उन्हें दोबारा फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 14 अगस्त 1983 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा दिल्ली के ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल से शुरू की। इन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे महागुरुओं से संगीत में ट्रेनिंग ली है। सुनिधि के पिता दुष्यंत चौहान एक थिएटर आर्टिस्ट थे जो कि श्रीराम भारतीय कला केंद्र में कार्यरत थे। उनकी माता हाउसवाइफ रही। उनकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे कई उतार चढ़ाव रहे हैं जिनकी वजह से वो मीडिया में चर्चा का विषय बनी रहती है। उन्होंने साल 2002 में बॉबी खान, जो कि उनसे 14 साल बड़े थे, उनसे शादी कर ली। बॉबी खान एक प्रसिद्ध डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है। मौत 2 सालों के भीतर इनका रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर आ गया और बाद में दोनों अलग हो गए। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने रितेश सोनिक, म्यूजिक डायरेक्टर, से शादी की और इन दिनों वो अपने पति के साथ रहती है और उनका एक बेटा तेज सोनिक है जो कि जनवरी 2018 में हुआ। तो दोस्तों, यही सफर था सुनिधि चौहान के जीवन के बारे में। आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।